सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत और कनाडा के संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत ने कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित भी कर दिया है। भारत के सेक्शन से ट्रूडो बुरी तरह से बौखला गए हैं। देखिए, जस्टिन ट्रूडो विदेश नीति के कच्चे खिलाड़ी हैं। क्या खालिस्तान विवाद को तूल देकर भारत से दुश्मनी उन्हें भारी पड़ने वाली है? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीक्रेट मीटिंग की बात ट्रूडो ने लीक कर दी? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वैसे तो पिछले कई साल से देश की बागडोर संभाल रहे हैं, लेकिन लगता है कि इसके बावजूद उन्हें विदेश नीति की ABCD की भी पूरी जानकारी नहीं है। कनाडा में अपने चुनावी फायदे के लिए खालिस्तानी प्रेम में भारत से दुश्मनी तो सिर्फ वानगी है। ट्रूडो ने इससे भी बड़े बड़े कांड किए हैं। सबसे पहले बात भारत के संबंध में, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने खालिस्तानी प्यार में भारत जैसे भरोसेमंद साथी को उकसा दिया है। खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंट पर लगाकर ट्रूडो कनाडा में चुनाव जीतना चाहते हैं। उनके शब्द और तेवर देखिए। Started to understand through intelligence agencies that India was possibly, if not probably, behind Nijjar's killing, the killing of a Canadian on Canadian soil last summer. कनाडा का कहना है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ है। हालांकि कनाडा अभी तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं कर सका। सवाल उठता है कि सबूत हैं तो साझा क्यों नहीं करते? जस्टिन ट्रूडो की कूटनीतिक अज्ञानता का ये सबसे बड़ा सबूत है कि जो मसले बंद कमरे में सुलझते हैं उस पर वो सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं। The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। If anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they are giving to Khalistanis and to violent extremists. ये पहला मौका नहीं है जब ट्रूडो ने संवेदनशील मामलों में अपनी बचकानी हरकत का परिचय दिया है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रूडो का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल था, जिसमें दोनों नेताओं के बीच नोक झोंक होती दिख रही है। इस वीडियो में जिनपिंग ट्रूडो को खुद कहते दिख रहे हैं, आपने गोपनीय बातों को लीक कर दिया। सुनिए।